आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज लेट मी नो, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैम, हो रही है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा आपके कैफ के अंदर, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी अच्छी चीजें सीखेंगे। कोई ऐसी चीजें, इन चीजों में इंसान का इंटरेस्ट होता है, आपका इंटरेस्ट भी इंशाल्लाह डेवलप होता जाएगा ऐसा ऐसा जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो अभी आप इस तरह कीजिए कि आप अपने माइक्स ओपन रखें ताकि हम कुछ जनरल डिस्कशन कर सकें, ठीक है? तो जो पार्टिसिपेंट्स मेरे पास हैं, आप अब्दुल कदीर हैं एंड द सेकंड वन आई डोंट नो योर नेम। तो आप मुझे बताएं कि आप इकोनॉमी के बारे में या इकोनॉमिक्स के बारे में क्या जानते हैं, मुझे वन लाइन डेफिनेशन दे दें। I don't know anything about economics. अच्छा, और जो सेकंड हमारे साथ स्टूडेंट है वो भी कुछ बता दें अगर उनको कोई नॉलेज है इस बारे में। तो चलें, कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे तो हम सबको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज है। आप इस तरह कीजिए कि आप अपने माइक जो है वो बंद कर लें, ठीक है? अब अपने माइक्स बंद कर लें, हम स्टार्ट करने लगे। तो इकोनॉमिक्स जब हम वर्ड सुनते हैं तो कुछ आप जब आपको एक नया वर्ड सुनने को मिलता है तो आपका अप्रोच, जो बेसिक अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप उसके क्लोजली रिलेटेड जो लफ्ज होते हैं आप उनको सोचना शुरू कर देते हैं। अब जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमी होगा, इकोनॉमिकल होगा, ये सारे वर्ड्स जो है वो इससे क्लोज क्लोज आते हैं। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम देखते हैं कि इकोनॉमी क्या चीज होती है। इकोनॉमी जो जब हम सिंपल बेसिक उर्दू में पढ़ते हैं तो इकोनॉमी हम कहते हैं मईशत को। हमने न्यूज देखते हुए काफी दफा सुना होगा मईशत वर्ड, ठीक है? मईशत होती है वो इकोनॉमी होती है। अब इसको और भी सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? कि इकोनॉमी क्या चीज है, द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी? कि एक कंट्री की स्टेट क्या है, एक कंट्री की या एक रीजन की गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन और कंजम्पशन में स्टेट क्या है, यानी वो किस मकाम पे खड़ी है, ठीक है? एंड द सप्लाई ऑफ मनी, यानी गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है और जो सप्लाई ऑफ मनी है उसमें एक कंट्री या कोई रीजन किस मकाम पे खड़ी है, हम उसे कहते हैं एक इकोनॉमी है ये, ठीक है? हम कंट्रीज को भी इकोनॉमी कहते हैं, पाकिस्तान इज एन इकोनॉमी, एक मईशत है, ठीक है? यानी कि हम एक कंट्री को डिफाइन करें कि इसमें गुड्स और सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस और कंज्यूम होती हैं और मनी सप्लाई क्या है, ठीक है? इसे हम कहते हैं इकोनॉमी। तो हम कहेंगे हम अपने कंट्री को भी कह सकते हैं पाकिस्तान इज एन इकोनॉमी, यूएसए इज एन इकोनॉमी, ठीक है? अब आज जो हम बात करेंगे वो सारी बेसिक चीजें होंगी, क्योंकि आज हम लेक्चर को पहली दफा शुरू कर रहे हैं। याद रखिएगा कि आपके पेपर सितंबर में है और अभी हम अप्रैल में, तो हमारे पास हाफ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का भी कुछ पार्ट, यानी कि हमारे पास गुड 4 to 5 months का पीरियड आ रहा है। मेरी कोशिश ये होगी कि आपका जो कोर्स है वो एटलीस्ट आपके एग्जाम से 15 डेज पहले खत्म हो जाए, और इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा ताकि जो 15 डेज हैं आप उसमें अच्छी तरह से अपना कोर्स रिवाइज कर सकें, और जब आप पेपर में बैठे तो यू आर कॉन्फिडेंट, यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू पास इट, ठीक है? कुछ बातें जो आपने मैं आपको आज बता रही हूँ आपने याद रखनी है। माइक्रोफोन काइंडली ऑफ कर लीजिए प्लीज। जफर प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें। अब जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहे वो ये है कि सबसे पहले तो आपने रेगुलर रहना है, रोज आपने क्लास अटेंड करनी है, रोज नए कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे एंड यू डोंट वांट टू मिस देम। आप हर कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना, ठीक है? आप जब बैठे हैं मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, अच्छी तरह से पढ़ें और चीजों को खोल खोल कर देखें हर वर्ड का मतलब क्या है, मुझसे पूछें मैं आपको बताऊंगी। तीसरी बात, लेक्चर के दौरान आपके माइक्रोफोन ऑफ होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके आपने अपने पास नोट करते जाने, नोट करते जाने, लेक्चर के एंड पे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, जो आपके पास हुए तो मैं उनके आंसर्स दे दूंगी।
आखिरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, डू योर होमवर्क डेली. आपका डेली होमवर्क यही होगा कि जो आपको काम मिलेगा आपने उसे याद रखने. प्लस चीज आपके मंडे, हर मंडे को आपका टेस्ट होगा. पिछले पूरे वीक में आपने जितनी चीज पढ़ी होगी, मंडे को आप मुझे उसका टेस्ट देंगे. टेस्ट से नहीं घबराना, आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, और ये आपके पेपर की तैयारी को बढ़ाएगा. आज हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, आज की चीजें बहुत एक्साइटिंग है. सबसे पहले डिफरेंट डेफिनेशन. आप जानते हैं इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन है. डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लोगों ने इकोनॉमिक्स को डिफरेंट तरीकों से डिफाइन किया. अब ऐसा क्यों हुआ होगा, मतलब एक डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन से फर्क कैसे हो सकती है, हालांकि इकोनॉमिक्स तो एक ही चीज है. हम पढ़ेंगे अलग अलग डेफिनेशन कौन सी थी और उनके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस कैसे हुआ, क्रिटिक्स ने उन डेफिनेशन के बारे में क्या कहा, लोगों ने किस हद तक उस डेफिनेशन को कबूल किया. अब जो मेन डेफिनेशन थी, जो मतलब बहुत प्रोमिनेंट रही, वो एक थी एडम स्मिथ ने दी थी. उसके बाद एक डेफिनेशन दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने. ये लोग कौन थे, ठीक है, इन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी थी, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की नेचर कैसी है, क्या ये एक साइंस है, इज इकोनॉमिक्स अ साइंस और एन आर्ट, ये साइंस है या आर्ट है, साइंस और आर्ट में क्या डिफरेंस होता है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक टुडे. और सेकेंड चीज हम डिस्कस करेंगे, ये एक पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है. अब पॉजिटिव साइंस क्या होती है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, ये सारी चीजें हमारी आज के लेक्चर में कवर अप हो जाएंगी. फिर हम देखेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो बाय इट्स नेम छोटी चीज, जैसे हम इसे अज्यूम कर रहे, और मैक्रो इज समथिंग बिगर, ठीक है. हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, छोटी वाली इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, और हमारा बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है. आप याद रखिएगा कि जो हमारे पूरे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो सारे इस एक सवाल पे लाए करती है कि हमारा बेसिक इकोनॉमिक मसला है क्या, इकोनॉमिक्स में हमारा बेसिक इश्यू है क्या, ठीक है. लास्ट जो टॉपिक हमारे डिस्कस करेंगे कि एक इकोनॉमी के अंदर क्या, एक इकोनॉमिक मॉडल के अंदर एजेंट्स कौन होते हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, ये कितनी तरह के होते हैं, ये कौन लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ओके, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज. ओके, ओके, अब हम अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं. अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं, अगर यहां तक किसी को कोई इशू था तो काइंडली मुझसे पूछ लें. माइक्रोफोन ऑन करें अपने क्विकली. सवाल पूछें अगर कुछ समझ नहीं आई तो. अब्दुल कदीर. यस मैम. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें. जफर आप भी पूछें. मैम कैरी ऑन. ओके, अली एजाज अभी हमारे पास ऐड हुए. अली एजाज अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिएगा, हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बाकी सभी अपना माइक्रोफोन ऑफ करें. ओके, सबसे अब जब हम चैप्टर वन पे आ गए, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बतानी रह गई है मुझसे, मैं आपको भी बता दूंगी. आपके एग्जाम के अंदर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पोर्शन टेस्ट होते हैं. याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांच चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है जी. उसके बाद चैप्टर 6 से 15 ऑनवर्ड आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है. आपका तकरीबन 35 to 40 मार्क्स का पेपर यहाँ से आता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से, और बाकी 55 to 60 मार्क्स का जो पेपर होता है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से आता है, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं. पहला वाला जो चैप्टर है, चैप्टर वन से ही हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है जी. चैप्टर वन का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स बेसिस, ठीक है, बेसिक्स, जो बेसिक बातें, बेसिक चीजें, ठीक है, हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं.
अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप ओपन कर लें. मैं आपको साथ याद करवा रही हूँ कि आपने अपने पास नोट पैड रखना है ताकि आप क्वेश्चंस नोट करें अगर आपको कोई क्वेश्चन जहन में है तो. सबसे पहले लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. अच्छा, अभी मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशंस बताई हमें इकोनॉमिक्स की. क्या डेफिनेशंस थी, क्यों ऐसी डेफिनेशंस बनी और वो फिर खत्म क्यों हो गई, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. जो साइंस ऑफ वेल्थ है, ठीक है, ये एक डेफिनेशन के मुताबिक है, यानी एक साइंटिस्ट ने से एक डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है. ठीक है, वेल्थ कैसे? अब ये बंदा कौन था? ये बंदा था एडम स्मिथ. एडम स्मिथ भाई जो थे ये हमारे एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे, ठीक है, और फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स भी थे. इन्होंने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में हमें ये बताया, जो उनकी डेफिनेशन थी ना, उनकी समरी ये थी कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. ठीक है जी, वेल्थ की साइंस को इकोनॉमिक्स कहते हैं. डेफिनेशन के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज द साइंस, एक वो साइंस है, ठीक है, विच स्टडीज द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ. यानी कि सारे डेफिनेशन में वो बताया था कि भाई इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि भाई वेल्थ की प्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है ये डिस्कस करते हैं, कंज्यूम कैसे होती है और एक्सचेंज कैसे होती है. ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी. अब उसके ऊपर क्रिटिक्स ने बहुत कुछ बोला, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस हुआ. क्रिटिकल एनालिसिस, ये क्रिटिकल एनालिसिस यानी एक लोग एक चीज के खिलाफ जो बात करते हैं, के अगेंस्ट जो बात करते हैं उसे कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस. ठीक है, उसे उसने कहा कि जी इकोनॉमिक्स, इसकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो ये हुई कि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ वेल्थ के ही बारे में बता रही है. यानी आपने जो एल्फ्रेड मार्शल को ये बोला गया कि जो आपने एडम स्मिथ को ये बोला गया कि आप जो डेफिनेशन बता रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड है और तो कुछ है ही नहीं उसमें. तो आप जो डेफिनेशन बता रहे हैं उसके मुताबिक इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो बहुत कम हो जाता है, सिर्फ कम हो जाता है, सिर्फ वेल्थ तक रह जाता है, बाकी कोई टॉपिक इसमें कवर नहीं होता. और खासकर कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, स्कार्सिटी एंड चॉइस का, आपने इसको तो देखा ही नहीं. अब स्कार्सिटी एंड चॉइस क्या है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी. उसके बाद साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर, ये भी एक डेफिनेशन थी. ये डेफिनेशन किसने दी? ये बंदा था भाई अल्फ्रेड मार्शल. ये एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था. इन्होंने अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 और उसने इकोनॉमिक्स को रीडिफाइन किया था, ठीक है. रीडिफाइन उसने एक और डेफिनेशन दी थी. वो कहता है डेफिनेशन इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. कि भाई ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर, ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर जो मैनकाइंड की स्टडी है उसे हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है. इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटीरियल एंड मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग. अब अच्छा, अब इसमें ना इस डेफिनेशन में और पिछले डेफिनेशन में फर्क यह था कि पिछले डेफिनेशन जो थी वो वेल्थ पे थी, लेकिन ये डेफिनेशन वेल्थ से उठ के वेलबींग पे आ चुकी थी, लोगों की वेलबींग पे आ चुकी थी ये डेफिनेशन, ठीक है जी. अब इसमें जो एनालिसिस हुआ वो ये हुआ कि जी इसने सिर्फ मटेरियल गुड्स की बात की ना. देखिए डेफिनेशन में कह रहा है कि अटेनमेंट एंड यूज, अटेनमेंट किस वर्ड निकला, अटेन से, ठीक है, एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, ठीक है. यानी कि वो सिर्फ मटेरियल गुड्स की बात कर रहे हैं, नॉन मटेरियल गुड्स को तो वो मेंशन ही नहीं कर रहा. बाकी अगर उनकी वैल्यूज अंदर है उनको भी शामिल करना चाहिए. प्रोवाइडेड अब ये हुआ कि जी दिस डेफिनेशन वाज कंसीडर्ड वेग, यानी कि ये इसको इम्प्रैक्टिकल थी, ठीक है जी, जजमेंटल लोगों ने इसे समझा. उसके बाद आखिरी आया साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस. ये डेफिनेशन दी थी रॉबिन्स ने, ठीक है जी. रॉबिन्स जो है वो है एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट. रॉबिन्स कहता है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है. इकोनॉमिक्स ऐसी साइंस है जो कि इंसान के बिहेवियर को स्टडी करती है, इंसान की बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस. यानी कि एंड्स और स्कार्स मींस के दरमियान इंसान का जो बिहेवियर है, जिस तरह से इंसान बर्ताव करता है उसको स्टडी करती है. विच हैव स्कार्स मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस.
अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे जहन में बैठना चाहिए वो है स्कार्सिटी एंड चॉइस क्या है. ठीक है, स्कार्सिटी एंड चॉइस ये लिखा हुआ है. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट. अगर इसके बारे में किसी को कोई बेसिक आइडिया है तो काइंडली मुझसे शेयर करें. स्कार्सिटी एंड चॉइस क्या है, मुझे इसका जवाब दें. जफर, अरसलान, अब्दुल कदीर, प्लीज आंसर करें इसका. स्कार्सिटी एंड चॉइस का कोई कॉन्सेप्ट है आपके जहन में? अगर आपको बिल्कुल आइडिया ना हो तो मुझे मैसेज करके फौरन बता दिया करें. ओके, मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है जी, देखिए स्कार्सिटी का मतलब ये है हमारे पास. अब देखिए एक इंसान की जो ख्वाहिशात होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड एक इंसान की ख्वाहिशें जिंदगी में. एक चीज उसे मिल जाती है तो वो कहता है मुझे दूसरी चीज मिल जाए, दूसरी चीज मिल जाती है, तीसरी. अब जैसे आप एक ये जिस तरह छोटे लड़के होते हैं उनको जरा थोड़े से बड़े होते हैं वो कहते हैं मामा साइकिल. एक उनकी जो ख्वाहिश है ना साइकिल चाहिए, साइकिल मिल जाती है उसके लिए. थोड़ा फिर वो बड़े होते हैं फिर उनको कहते हैं कोई कीजिए हमें बाइक दे दो, मामा से कहेंगे बाइक दे दो मामा. तो बाइक के लिए मामा कहेंगे बेटा आप खुद पैसे जमा करें. बाइक ली, आगे उसकी गाड़ी, उसके बाद शायद वो कहे मुझे ट्रक ले दो या शायद मुझे जहाज ले दो, कुछ इस तरह करें. लेकिन ये होता है कि बेसिक जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रही हूँ वो कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान की जो चॉइस जो ख्वाहिश है ना वो लामहदूद है, ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती. ठीक है, आपकी जो मटेरियल ख्वाहिशें होती है वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होती, बंदा खत्म हो जाता है. ठीक है ना, और स्कार्सिटी क्या है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस कम है, रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है. ठीक है, अब आप सोचिए कि जहां हमारे पास ख्वाहिशात जो है वो लामहदूद है और रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड है तो हमें करनी पड़ती है चॉइस. चॉइस का क्या मतलब है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे अपनी ट्यूशन की फीस भी देनी है, मुझे अपने यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं. पैसे कितने हैं, पैसे मेरे पास लिमिटेड हैं, पैसे मेरे पास इतने हैं कि मैं जो हूँ सारी चीजें नहीं कर सकती. मैं ट्यूशन फी दूंगी तो मुझसे बिल्स रह जाएंगे, मैं गाड़ी लूंगी तो मुझसे सब कुछ रह बाकी दोनों चीजें रह जाएंगी. तो एट दैट पॉइंट यू हैव टू मेक अ चॉइस. ठीक है, इसे हम कहते हैं scarcity means scarcity of resources and choice means the choices that you make between your wants. आप हर काम करना चाहते हैं but due to limited resources, due to limited money, you can't do all of them. Therefore, you have to make a choice. You have to take either of them. You have to take one of them. आप समझ रहे मेरी बात? ठीक है जी, ये होता है scarcity and choice का concept. अब कल मैं आपसे आप पहला क्वेश्चन जो अपने होमवर्क पे नोट करेंगे, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि स्कार्सिटी एंड चॉइस क्या होता है. कल जब लेक्चर शुरू होगा मुझे सबसे पहले आप दोनों यही बात बताएंगे. ठीक है, अगली बात क्या आ गई, हमारा बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन क्या है. अब बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन की जो बेस है ना, अब आप देखिए कितना फनी वो बन रहा है. एक बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन है और उस बेसिक क्वेश्चन की भी एक बेस है. जो बेसिक क्वेश्चन की जो बेस है ना वो बेस हमारे पास स्कार्सिटी एंड चॉइस का कॉन्सेप्ट ही है. ठीक है जी, यानी हमारे पास जो स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की और हमें अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो अपनी वांट्स को पूरा करना है उसकी जो चॉइस है, दैट इज बिकॉज वी हैव अ बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन. बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन की बेस जो है वो स्कार्सिटी एंड चॉइस का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये देखिए the phenomena of scarcity gives rise to some basic questions. Scarcity का जो phenomena है उसकी वजह से कुछ basic questions हमारे पास आए हैं that are faced by every economy, जिसे हर economy face करती है. ठीक है, this envelops the fact that resources are scarce. इससे हमें ये पता चलता है कि जी resources जो है वो तो हमारे पास scarce है. scarce होने का मतलब है महदूद, कम. note कर लें. So society must use them efficiently. इसलिए जरूरी है कि जो सोसाइटी है वो उनका एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करे. This results in three fundamental questions. अब efficient इस्तेमाल तो करना है, अब उसके लिए हमारे पास तीन सवाल है. ठीक है, सवाल कौन से हैं? What to produce,
हम क्या बनाएं, प्रोड्यूस यानी बनाएं, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, ये तीन हमारे बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं, यही तीन हमारा बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है, हमें क्या बनाना चाहिए, ठीक है। दिस क्वेश्चन एड्रेसेस टू एस्पेक्ट, इसमें दो चीजें शामिल है, दो तरह की बात करेगा वो, उसमें द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, एंड द यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये देखेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है, जो प्रोड्यूसर होगा ना, प्रोड्यूसर ये देखेगा कि जो हमारी सोसाइटी है उसे क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या जरूरत है, एंड द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन द एफिशिएंट मैनर। और जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, मैं उनको बेहतरीन तरीके से, एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करूँ, ये चीजें आती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस, शुड वी कल्टिवेट कॉफी और टी, इन व्हाट क्वांटिटीज कॉफी और टी शुड बी प्रोड्यूस, द स्कार्स रिसोर्सेज यानी कि कैपिटल रिसोर्सेज। अब क्या है रिसोर्सेज होते हैं ना, वो एक चीज को बनाने में जो चीजें इस्तेमाल हो रही होती है ना, वो रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है जी। द कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स लेबर मटेरियल्स हैव टू बी एलोकेटेड अमंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, द एलोकेशन हैज टू बी डिटरमाइंड फर्दर इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज कंज्यूमर प्रोड्यूस एंड कैपिटल। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जो प्रोड्यूसर होता है वो देखता है कि भाई मेरी सोसाइटी की नीड क्या है, दूसरी चीज वो ये देखता है कि मैं अपने रिसोर्सेज को बेहतरीन एफिशिएंट मैनर में इस्तेमाल करूं। फॉर एग्जांपल, अब एक प्रोड्यूसर सोचा है कि मैं कॉफी बनाऊं कि टी बनाऊं, ठीक है, डिमांड किसकी ज्यादा, लोग क्या ज्यादा पीना पसंद करते हैं। अच्छा, मैं कितनी क्वांटिटी में बनाऊं, ठीक है, और आगे कहता है एलोकेशन इज टू बी डिटरमाइंड फर्दर इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं ना, ये याद रखिएगा, कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं ना, वो होते हैं जो हम लेकर कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके ऑपोजिट होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जिनको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, बल्कि उनसे फर्दर हम काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्विक आंसर, कंज्यूमर गुड की एक एक एग्जाम्पल दें मुझे आप। चले अब्दुल कदीर, जफर, कंज्यूमर गुड्स की एग्जाम्पल दें। अब्दुल कदीर, कंज्यूमर गुड्स की एग्जाम्पल दें। मैम, जो चीज हम लोग लेके कंज्यूम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास कॉफी या टी है, अब इसको तो हम कंज्यूम करते हैं। जबरदस्त। और इसके जो ऑपोजिट प्रोड्यूसर गुड्स हैं उनका भी बता दें। मैम वो सुना नहीं था, आवाज ही नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, देखिए कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं ना, मैंने खरीदा, मैंने खा लिया, इस्तेमाल कर लिया, कपड़े से लेकर पहन लिए, ठीक है। उसके मुकाबले जो जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ना, वो हम खुद कंज्यूम नहीं करते, उसको हम फर्दर यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ले ली स्विंग मशीन ले ली, ठीक है, स्विंग मशीन ले ली, अब उसे मैं कंज्यूम तो मैं उसे कंज्यूम करूंगी, उसने खत्म थोड़ी हो जाना। मैं अब क्या करूंगी, मैं लोगों से कहूंगी कि मुझे ला कर दें कपड़े, मैं आपको स्टिच करके दूंगी, एंड आई विल बी अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम इट। आप समझ रहे हैं डिफरेंस अब? कदीर, इज दैट क्लियर? आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनानी है चीजें। पहला सवाल जो हमारे पास आ रहा था वो ये था कि हम किस क्या बनाएं, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अगला सवाल हमारे पास ये कि उन चीजों को हम कैसे बनाएं, ठीक है। दिस क्वेश्चन आस्क्स अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज दैट वुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब कहते हैं कि हमको, अब हमारे पास रिसोर्सेज क्योंकि स्कार्स हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड है, तो हम कहते हैं कि कौन कौन सी रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करें इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, ठीक है।
एक क्वेश्चन है प्रोडक्शन टेक्निक, यानी कि हम इसमें कौन कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक इस्तेमाल करें एंड वेदर दीज वुड बी कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव. कैपिटल और लेबर इंटेंसिव चीजें आगे आएंगी, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन खैर बेसिक एक कॉन्सेप्ट आप ले लें कि इसमें कैपिटल इस्तेमाल होगा या लेबर इस्तेमाल होगा. ओके, फॉर इंस्टेंस डिसाइडिंग अबाउट हु विल कल्टिवेट द कॉफी और बीन्स, वुड इट बी मैनुअल फार्मिंग और मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर. या आ गया कैपिटल इंटेंसिव, जहां आप मशीन का इस्तेमाल करते हैं. लेबर इंटेंसिव, जहां आप बंदों का इस्तेमाल करते हैं. उसने एग्जाम्पल दी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कॉफी की कल्टिवेशन करनी है तो उसे मैनुअल फार्मिंग करवाएं, मतलब हम मैनुअल फार्मिंग से कॉफी लें, या फिर हम मैकेनाइज्ड कोई प्रोसीजर इस्तेमाल करें. ठीक है, शुड ट्रेडिशनल मेथड्स बी यूज और शुड इट बी कल्टिवेटेड इन नर्सरी. हम उसके लिए ट्रेडिशनल मेथड यूज करें या फिर नर्सरीज में जाकर कल्टिवेट करें. ठीक है, ये हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा. व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने पढ़ा कौन से रिसोर्सेज, नहीं हाँ जी, कौन से गुड्स, और दूसरी चीज हमने पढ़ी कि रिसोर्सेज को हमने एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है. ठीक है, दूसरी तरफ हमने पढ़ा हाउ टू प्रोड्यूस में कि कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए. ठीक है, और प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या होनी चाहिए. हमारे पास जो टेक्निक्स हैं कैपिटल इंटेंसिव हो या लेबर इंटेंसिव हो, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए. दिस इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. ऑडियो म्यूट कर लें काइंडली, माइक्रोफोन म्यूट करें अपना. ये आपका नाम नहीं मुझे शो हो रहा, आप ऑडियो म्यूट कर लें. ओके, तो आप करें दिस इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है. दैट इज हु गेट्स द फाइनल नेशनल प्रोडक्ट एंड हाउ मच, कि फाइनल नेशनल प्रोडक्ट किसको मिलेगा और कितना मिलेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कॉफी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल लिविंग इन द कंट्री और इज टू बी एक्सपोर्टेड आउटसाइड वेयर इट इज टेकन एज अ प्रेफर्ड कमोडिटी. यानी हम ये देखते हैं कि जो हम कॉफी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने कंट्री के अंदर हम दें या बाहर लोगों के लिए, हम उसे जो बाहर के लोग हैं हम उन्हें प्रोवाइड करें. ठीक है जी, जहां पे इसे प्रेफर्ड यानी प्रेफर करते हैं लोग लेना. ठीक है, इज द फाइनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, क्या वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ एंड इवनली अमंग डिफरेंट सोसाइटीज एंड हु गेट्स हाउ मच, और किसको कितना मिला ये भी हम इसमें डिस्कस करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है इज इट अ साइंस और एन आर्ट. अब साइंस क्या होता है, इकोनॉमिक्स जो है वो अपनी मेथडोलॉजी में, जो उसका मेथड है ना, इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस की तरह बिहेव करती है. और जहां बात होती है उसकी एप्लीकेशन की, यानी जब आप उसे अप्लाई करने लगते हैं तो वो आर्ट्स बन जाती है. कैसे, देखें इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है. क्यों, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ. क्योंकि जो एक इकोनॉमिस्ट होता है ना, वो क्या करता है, सारे जो फैक्ट्स होते हैं उनको जमा करता है, उन्हें एनालाइज करता है. ठीक है, उन्हें फिर क्लासिफाई करता है और फिर जनरल प्रिंसिपल्स वो डिस्कवर करता है. कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक इकोनॉमिस्ट है, उसने देखा कि आटे की डिमांड कैसी है मार्केट में. उसने अलग 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 जगहों पर जाकर देखा, अपने फैक्ट्स को उसने एनालाइज किया, फिर उसने क्लासिफाई किया. ठीक है, आटे की ऐसी है, चीनी की ऐसी है, तीसरी चौथे गुड्स की ऐसी है, फिर उसने एक जनरल प्रिंसिपल बना दिया कि भाई इस तरह से डिमांड इफेक्ट होती है, इस तरह एक जनरल प्रिंसिपल बना दिया. ठीक है, तो ये साइंस, क्योंकि साइंस में जो होता है, जो साइंटिस्ट होता है वो फैक्ट्स को एनालाइज करता है, क्लासिफाई करता है, और फिर जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर साइंस जो है वो वर्कआउट कर रही होती है. और आर्ट कैसे है, आर्ट ऐसे है कि भाई आर्ट जो इकोनॉमिक्स है ना, वो फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती. ठीक है, प्रिडिक्ट नहीं कर, उसकी वजह क्या है, दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स जैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकती. उसकी वजह क्या है कि जो इसकी एप्लीकेशन है उस वो डिपेंड करती है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर. ठीक है, इंसानों के बिहेवियर के ऊपर इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन डिपेंड करती है. और ह्यूमन बिहेवियर का क्या है भाई, ह्यूमंस के पास क्या है, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ चॉइस. ठीक है, तो आप किसी की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. अब इंसान चाहे जो करे, तो जनरल प्रिंसिपल्स तो हैं जो कि इकोनॉमिक्स को एक साइंस बनाते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन की बारी आती है तो इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है जी, उसके बाद है पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव. पॉजिटिव साइंस क्या होती है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है.
बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स में मैं आपको ये बता देती हूँ कि जी पॉजिटिव साइंस होती है वो हमें डिस्क्राइब करती है, ठीक है, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस और अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, वो हमें बताती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं ये दे देती हूँ कि एक जो इकोनॉमिस्ट सॉरी एक जो केमिस्ट है, या एक अगर बंदा केमिकल लेबोरेटरी में काम कर रहा है, तो वो जो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लिक्विड यूज कर रहा है, तो आप उसका नाम बता देते हैं कि यार ये एसीटोन से काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि एक अगर बंदा केमिकल लैब में काम कर रहा है, तो हम कहेंगे ही यूजेस एसीटोन व्हाइल डूइंग ऑल दोज एक्सपेरिमेंट्स. तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी कि आप चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, चीजों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है. दूसरी तरफ नॉर्मेटिव भी है, इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस भी है. नॉर्मेटिव का मतलब होता है इवेलुएट, आप जज करते हैं, ठीक है, चीजों को. एक पॉजिटिव में आप बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, नॉर्मेटिव में आप इवेलुएट कर रहे होते हैं चीजों को, जज कर रहे होते हैं चीजों को. यानी कि फॉर एग्जाम्पल, वही वाली अगर एक एग्जाम्पल है, जो लैब में बंदा काम कर रहा है वो एसीटोन इस्तेमाल करता है, ये है पॉजिटिव पॉजिटिव साइंस. क्या उसे एसीटोन इस्तेमाल करना चाहिए, ये हो गया नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है. नॉर्मेटिव में हम चीजों को जज कर रहे होते हैं, इवेल्युएट कर रहे होते हैं, ठीक है जी. अच्छा, उसके इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस आपने रीड कर लेनी है, ठीक है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. हम आ जाएंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर. इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे पास वही है, ठीक है, जो इकोनॉमिक क्वेश्चन है ना हमारे पास, वही हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. ये देखिए, हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इज फेयर एंड इक्विटेबल, हाउ डू वी इंश्योर दैट इंसेंटिव्स प्रमोट डिजायरेबल बिहेवियर. बेसिक इकोनॉमिक जो हमारे पास प्रॉब्लम है, उसी की वजह से हमारे पास बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है जी. अच्छा, अब आ जाते हैं हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर. द स्टडी एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ब्रांचेस, नेमली माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. माइक्रो जो होता है ना, उसे हम कहते हैं मिलियंथ पार्ट, बड़ा छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है. मेजर जो डिफरेंसेस हैं दोनों के दरमियान वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है. माइक्रो में आप इंडिविजुअल मार्केट्स को देख रहे होते हैं, हाउस होल्ड को देख रहे होते हैं, फर्म्स को देख रहे होते हैं, इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल बिहेवियर आप देख रहे होते हैं. उसके मुकाबले में जो मैक्रो है, मैक्रो जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देख रहा होता है, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो रही है. माइक्रो छोटी लेवल पे है, माइक्रो इंडिविजुअल फर्म्स का, इंडिविजुअल हाउस होल्ड का, इंडिविजुअल मार्केट्स को देख रहा होता है. मैक्रो इकोनॉमी की पूरी परफॉर्मेंस, पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को ओवरऑल देख रहा होता है, ठीक है जी. अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंडिविजुअल प्लेयर्स को डील कर रहा होता है, ठीक है, इंडिविजुअल प्लेयर्स. और माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट एज अ होल पूरी इकोनॉमी के साथ. अब डेरिवेशन कहां से हुई है, माइक्रो इज अ ग्रीक वर्ड फॉर स्मॉल, मैक्रो इज अ ग्रीक वर्ड फॉर लार्ज. फोकस द बिहेवियर, हाउ दे मेक चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल. अच्छा, अब फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या है कि भाई इंडिविजुअल प्लेयर्स जो है ना मार्केट के, इंडिविजुअल जो हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, मार्केट्स हैं, वो कैसे बिहेव करती हैं, कैसे वो चॉइसेस बनाती हैं, ठीक है. और माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सबके लिए प्लान कर रही होती है, ठीक है, पूरी इकोनॉमी के लिए प्लान कर रही होती है. अच्छा, अब टिपिकल क्वेश्चन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास आ जाता है, व्हाट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ राइस. अब क्योंकि राइस जो है ना वो एक सिंगल मार्केट है, व्हाट विल हैपन टू डिमांड इफ प्राइस फॉल्स. अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा अगर प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, अगर इनकम बढ़ जाए तो डिमांड पे क्या. ये इंडिविजुअल लेवल के क्वेश्चन हो रहे होते हैं, एक मार्केट में क्वेश्चन हो रहे होते हैं, ठीक है. व्हाट विल हैपन टू इन्फ्लेशन इफ इंटरेस्ट रेट. अब पूरी इकोनॉमी का अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इन्फ्लेशन, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी में आएगी, सिर्फ एक सेक्टर में नहीं आएगी, पूरी इकोनॉमी में आएगी, ठीक है. हाउ कैन अनएम्प्लॉयमेंट बी रिड्यूस. अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किसी इंडिविजुअल मार्केट का मसला नहीं है, किसी इंडिविजुअल सेक्टर का मसला नहीं है, पूरे नेशन का, पूरी इकोनॉमी का ये मसला है, ठीक है जी. आप ये समझे कि माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे हम चीजों को डील कर रहे हैं, मैक्रो हम चीजों को बड़े लेवल पर डील कर रहे हैं, ठीक है जी. ओके, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, आप ये पढ़ लेंगे, ये चीजें वही हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस कर ली हैं आपके साथ. लिमिटेशंस क्या है कि ये इंडिविजुअल लेवल पर ही बता रहा होता है चीजों को, आप चीजों को बड़े लेवल पे नहीं देख रहे होते, ठीक है.
यानी मुमकिन है जो चीज एक मार्केट में सही है वो पूरे नेशन के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए ठीक ना हो. इसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट बिहेवियर को बता रही होती है. तो जो व्हाट इज ट्रू, ये लिखा हुआ है, व्हाट इज ट्रू फॉर द होल इकोनॉमी माइट नॉट बी ट्रू फॉर द इंडिविजुअल्स. ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है जो पूरी इकोनॉमी के लिए एक रूल है, मुमकिन है जब आप इंडिविजुअल लेवल पर आए तो वो चीज ठीक ना हो. इंटरडिपेंडेंस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम देख लेते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स पेज अटेंशन टू द इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल प्लेयर्स, व्हेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन अ सिस्टम एज अ होल. ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर टू की सब फील्ड्स ऑफ मेजर डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स. अब ये दोनों मिलकर ही आप पूरी, यानी इंडिविजुअल प्लेयर्स की जब आप वो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि पूरी इकोनॉमी में क्या हो रहा है. तो ये आपस में इंटर रिलेट करती है. आज तक का टॉपिक पेज नंबर 11 तक आपने पढ़ना है. ठीक है, इसमें से जो टॉपिक्स याद करने अच्छे तरीके से वो मैं आपको बता दूंगी.